के लिए। इस बंदे ने नई चमचम आती गाड़ी ली है, बिल्कुल भाई। सर व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? सर दो नंबर का काम है तेरे जैसे आप। क्या हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी को कैसे हो? आप सब मुझे लगता है आप सभी बढ़िया होंगे। तो मॉर्निंग बैक पैक इज़ रेडी, टाइम इज़ 11। भाई मतलब मैं जल्दी उठा था, पहले मेरे को ऑफिस जाना है बड़ा, और मैं अभी भी एम्प्टी स्टमक हूँ बिल्कुल। एंड ऑफिस जाके मैं आया हूँ अब जा रहा हूँ कार्डियो करने। तो कार्डियो करने के 1 घंटा 10 मिनट, यानी कि 1 घंटे से 10 मिनट ज़्यादा, 1 घंटा 10 मिनट हो गया कार्डियो और एब्स करेंगे साथ ही में। कंडीशनिंग काफ़ी अच्छी हो रही है दिन प्रतिदिन, मतलब ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत बढ़िया वाली हो रही है, बट मैं कह रहा हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उस पर काम कर ही रहे हैं एज़ यूजुअल। तो अभी कॉफ़ी पी ली है, कॉफ़ी पी के अपना सब कुछ कर लिया है और चलते हैं अब वर्कआउट करने, कार्डियो करने। कार्डियो करेंगे और आज का डे भी डिसाइड करेंगे कि आज करना क्या है। मेरे हिसाब से मैं चेस्ट एंड शोल्डर्स करूंगा, बट कोच की तरफ से रिव्यू आया है कि भाई शोल्डर्स बहुत ज़्यादा वीक है, तो शोल्डर्स पर भी बहुत अच्छे से काम करना है। लेट्स सी, चलो चले। सो गाइस, जिम में आ गए हैं, बेल्ट पहन लिया है, और लोग कहते हैं कि यार बेल्ट पहनो ना पहनो, भाई अपने अपने सबके लॉजिक्स हैं। मुझे लगता है कि जब मैं एक एक्सट्रीम कट पे होता हूँ तो बेल्ट का अगर मेरे को 1% या 2% भी असर दिख रहा है तो वाई नॉट, 1-2% क्यों छोड़ूँ। अगर मेरी वेस्ट पे हल्का सा भी असर आ रहा है, पहले ही मेरी वेस्ट थोड़ी सी चौड़ी रहती है, तो वाई नॉट इफ आई कैन। तो मैं तो वेस्ट बेल्ट पहनता हूँ, चाहे असर आए या ना आए, मेंटली तो आ ही रहा है। अब है पहली मील, खाना बनाने का टाइम, मतलब 30 eggs a day, मतलब 30 अंडे, यानी कि एक पूरी ट्रे चल रही है। इसे मैं एक बारी में बना लेता हूँ, बार बार नहीं बनाता हूँ, मतलब एक ही बारी में बना के रख दिया है इसे। और फिर आपने राइस बना लिए, तो मेरा मील यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एग राइस एग राइस एग राइस। कभी कभार जब मेरे को लो एनर्जी फील हो रही होती है तो मैं एक स्लाइस ऑफ ब्रेड खा लेता हूँ, तो वो एक अलग पॉइंट है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एग राइस एंड एग राइस खाता हूँ। एंड रात में सिर्फ नो कार्ब्स, सिर्फ एग्स। सो ये तो हो गया है, अभी अंडे बन गए। थोड़ा सा मेरा एग वाइट्स में हल्का सा ये येलो पार्ट आ ही जाता है यार, इतना परफेक्टली नहीं फूट पाता है, तो इतना मैं मैनेज कर लेता हूँ जैसे तैसे बनाते हैं ऐसे। सो ग्रेवी इज़ रेडी, हमारी ग्रेवी रेडी है, अब जस्ट इसमें ये डालना है। भाई मैं ना मसाले के तौर पे अपने मैगी मसाले डालना पसंद करता हूँ, तो अभी बना लिया। कुछ नहीं ना, अगर करियर में कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ढाबा तो खोल ही सकता हूँ, एटलीस्ट इतना तो मेरे में कैपेबिलिटीज़ है कि मैं खाना बनाना तो सीख। सीरियसली नहीं, सारी मील्स कंप्लीट करने के बाद अब निकल चुके हैं वर्कआउट के लिए। वर्कआउट करेंगे चल के, चलो लैस कैसा वर्कआउट होता है। मैं लेट हूँ थोड़ा सा, मेरे दोस्तों को वेट करवा रहा हूँ, एक ही को वेट करा रहा हूँ, बोला तो मैंने 2 दिन का था, पर पहले प्री वर्कआउट करूँगा, फिर पॉटी करूँगा, फिर वर्कआउट करूँगा। सो इस दुनिया में सारे सुख अच्छे हैं, पर जिम आते ही पॉटी। तो प्री वर्कआउट पीते तो गाइस, सेकंड एक्सरसाइज पे पहुंच चुके हैं। आईफोन 15 प्रो की क्वालिटी आपको कैसी लग रही है ये बताओ। और आज चेस्ट एंड शोल्डर्स कर रहे हैं, तो शोल्डर्स आज पहले कर रहा हूँ, व्हाट टाइप बात। तो फर्स्ट एक्सरसाइज रियर के लिए देख लीजिए, बाप ने अब मैं साइड लेटरल रेजिस्ट लगा रहा हूँ। चलो साइड लेटरल रेजिस्ट निकालते हैं। I wanna bump the beat that goes hard.
talking about his neck and models. फ्रंट डंबल रेजेस लाइट वेट और फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ कॉन्ट्रैक्शन Talking about his knocking models. I wanna bump a beat that goes hard. I wanna bump a beat that goes hard. I wanna bump a beat that goes hard. Talking about his knocking models. Talking about his knocking models. Talking about his knocking models. I wanna bump a beat that goes hard. Pop it. Pop it. Pop it. चलो चलो सो गाइस हम जिम से बाहर आए हैं इसे देखने के लिए. इस बंदे ने नई चमचमाती गाड़ी ली है बिल्कुल. ओह माय गॉड लग्जरी लाइन एम फोर यार मतलब. और भाई ज़्यादा चीज़ें ऐड हो गई इसमें. ओहो हो 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 ये तो कुछ एक्सट्रीम हो गया भाई. ओह माय गॉड मैन भाई वैसे अभी भी हल्का हल्का ब्लैक लग रहा है ये. अभी भी हल्का हल्का ब्लैक लग रहा है. हाँ ब्लैक लग रहा है हल्का हल्का. ओह माय गॉड कॉकपिट चालू हो गया ये. कितना प्यारा भाई जबरदस्त ऐसे नीचे आता ना. भाई वो मैंने देखी थी वाली वीडियो आपकी स्नैप. चार दिन से जो इसमें अच्छा इसमें अल्कोहल टेस्टिंग हो गई है. मतलब अल्कोहल प्रूफ है गाड़ी. माय गॉड आई वांट टू लिसन भाई करना करो. अरे बीप तो दो. गाड़ी हो तो ऐसी हो वरना गर्मी में तो दिन रहते ही है. भाई ये क्या ये फोन चार्ज नहीं हाथ हटाओ ना एक बार. हाथ तो हटाओ एक बार. वो कुछ दिख रहा था पता नहीं कुछ अजीब से फेफड़े से बन रहे थे. ओह नाइस कार सर. व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग सर. दो नंबर का काम है तेरे जैसे आपके जैसे बच्चों के किडनी में बेच का. काम करो ना अंदर बैठो ना. नहीं नहीं भाई. अरे नहीं नहीं ठीक है ठीक है. अरे अंदर बैठो. नहीं नहीं भाई ओके. आप राइड कब दे रहे हो इसकी. आ जाओ आ जाओ. सो गाइस
लास्ट एक्सरसाइज ऑफ शोल्डर, चौथी एक्सरसाइज है, चलो अपराइट, लाइट वेट अपराइट, कभी ज्यादा हैवी नहीं करनी चाहिए वरना शोल्डर के जॉइंट्स में इशू आ सकता है। अब मैं शोल्डर रिट्रैक्ट करो, सो गाइस चेस्ट शुरू करें। अब फर्स्ट एक्सरसाइज प्रेसिंग मूवमेंट, पुश करेंगे भाई चेस्ट पे, चेस्ट अपनी वैसे ही वीक है। द सेकेंड एक्सरसाइज फॉर चेस्ट, सिंगल हैंड पेक डेक फ्लाई, अच्छी एक्सरसाइज है अगर कॉन्ट्रैक्ट करना सीख गए। बिगिनर्स के लिए नहीं है ये, ना इंटरमीडिएट लेवल के लिए, जो लेवल जो फोकस ब्लो गया, जो एक अच्छा टाइम हो गया जिन्हें करते हुए, जिनको अपना मसल बैंक कनेक्शन पता है उन लोगों के लिए। So guys, the third exercise, केबल फ्लाई सुपर सेट है, दो वेरिएशन का, एक ही केबल से फ्लाई में, तो दोनों वेरिएशन देखना पहले आप। लास्ट फिनिशर एक्सरसाइज और यह डिप्स, Cup it.
fuck it. वर्कआउट करके तो आ गया था, अब मैं घर पूरा फर्स्ट मील एग वाइट्स हैं, 10 होंगे ये, 10 एग वाइट्स, एक फिश ऑयल की कैप्सूल और पानी, यही अपनी मील है। इसे खा के मैं सो जाऊंगा। जिम के बाद मैंने एक प्रोटीन शेक ले लिया था, तो यस खाते हैं। पानी के साथ गटकना पड़ेगा पर कोई नहीं। सो कल की मतलब कल रात का सीन था जब मैं मील खा रहा था। अभी भी वैसे तो आज व्लॉग नहीं किया मैंने, बट अभी मील खा के बैठा हूँ। तो मील खा रहा था और बातें करनी रह गई थी, तो बातें करते हैं अब। बात होगा, ये हर वीडियो का एक सेक्शन बनाना है मेरे को। ये बातों वाला जो सेक्शन है ना, ये बहुत ज़रूरी है। ये तो कॉन्वर्सेशन करना ना, ये बहुत, ये कुछ मैं नया डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई बातें करते हैं। हाँ, तो बात ये थी कि भाई देखो, 3 हफ्ते ख़त्म हो चुके हैं, 4th हफ्ता चालू हो गया। प्रेगनेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो 4th हफ्ता चालू हो चुका है कटिंग का। और मैं देखो, एक होता है कि कुछ लोग ले रहे हैं ओलंपिया लेवल की साइकिल्स, कुछ बॉडी स्टेज लेवल की साइकिल्स, और वो चीज़ें थोड़ी सी अनसेफ होती हैं। मैं जो भी चीज़ें करता हूँ वो एक प्रॉपर कोच के अंदर होती हैं, उसके अंदर हजारों हजारों रुपए इन्वेस्टेड होते हैं। अब मैं ऐसे पर्टिकुलरली नहीं बता सकता, बट अगर मान लो अगर आपको कोई 8 हफ्ते की किसी भी प्रेप पे जाते हो, तो मिनिमम खर्चा है 50 से 60 हज़ार, मिनिमम है। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये चीज़ें। ऊपर से ये चीज़ें आप पेरेंट्स के पैसों पे नहीं कर सकते, पेरेंट्स के पैसों पर थोड़ी करोगे। और बहुत चीज़ें होती हैं भाई जो हमें लाइफ में सेल्फ अर्न होती है। ये जो मेरी जो लड़ाई है, ये जो मेरी फिजीक को लेके लड़ाई है, ये मेरी खुद से है, ये मैं खुद से लड़ रहा हूँ। क्योंकि लाइफ में होता है ना कि आप बचपन से बुली होते हुए आए हो, आप मोटे थे बचपन से, आप बुली होते हुए आए हो, बुली, आपको लोग बुली करते हैं, आप अच्छे नहीं दिखते हो, आपकी फिजीक अच्छी नहीं है, आपकी अपीरियंस अच्छी नहीं है, तो एक बचपन से बन जाता है कि आप बुली हो रहे हो। तो ऐसे कुछ मेरे साथ भी था। तो ये जो मेरी लड़ाई है ना खुद से, क्योंकि क्या हुआ कि मेरी अपीरियंस अच्छी नहीं थी, मैं अच्छा नहीं दिखता था, तो बहुत सारे लोग लाइफ से गए, ब्रेकअप्स भी हुए, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत अलग चीज़ें हैं। तो एक वो फोबिया है अब दिमाग में कि कुछ भी करूँगा अच्छा दिखूँगा। तो ये जो लड़ाई है ना, ये क्रैक लोग कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, मुझे स्टेज पे तो चढ़ना नहीं है ना, मुझे कोई यूट्यूब को पैसे दे रहा है अच्छा दिखने के, ना इंस्टाग्राम कोई पैसे दे रहा है, क्यों कर रहा हूँ मैं? क्रैक हूँ, दिमाग से ख़राब हूँ, क्यों खा रहा हूँ मैं ये अंडे चावल, सूखे अंडे चावल पानी के साथ गटकता रहता हूँ, क्यों कर रहा हूँ? मेरी तो कुछ नहीं है, कोई कॉम्पिटिशन नहीं, दिमाग ही ख़राब है भाई। इसके लिए आपको सनक चाहिए थोड़ी सी ना, अच्छा करने के लिए। तो ठीक है, अभी कोशिश भी कर रहा हूँ कि रेगुलरली व्लॉग करूँ, रेगुलरली चीज़ें डालूँ, ताकि थोड़ी सी स्पॉन्सरशिप भी मिले लाइफ में, थोड़ा सा लोग भी जानने लगे धीरे धीरे, और लेट्स सी कहाँ तक पहुँचता है। तो भाई, अगर तुम में ये सनक नहीं है तो इस लाइन में तो जाओ ही मत, बहुत डिफरेंट लाइन है। और फेक नैटिव से बहुत दूर रहो, जो आप लोगों को इंस्टाग्राम पर बहुत सारे फेक नैटिव दिखते हैं ना, कुछ पुणे से हैं, कुछ कहीं दिल्ली से हैं, कुछ कहीं से हैं, कुछ कहीं से हैं, तो भाई बहुत सावधान हो जाओ। मैं ना 3 साल 4 साल सब करके देख चुका हूँ, बहुत अच्छी नॉलेज है मेरे पास कुछ चीज़ों की, कुछ और जिन चीज़ों के लिए, उनके लिए मैं बहुत अच्छे कोचेस हायर करता हूँ। तो इंडिया में ऐसे कोई ग्रीक जेनेटिक्स नहीं है किसी के पास, ऐसे गॉड लेवल जेनेटिक्स नहीं है कि आप सिंगल परसेंट बॉडी फैट पे हो या 10-12% बॉडी फैट पे, आपके एब्स चमचमाते हुए हमेशा ही मेंटेन रहते हैं और बिल्कुल आप बढ़िया दिखते हो, ऐसे जेनेटिक्स ना ही इंडिया में, ना ही देखो नाइजीरियंस जो है, अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं, इनके ऐसे जेनेटिक्स होते हैं, क्योंकि ये उसी तरीके से हैं, वो फॉर्म्ड ही ऐसे हैं वो लोग, बट हमारे जेनेटिक्स नहीं है ऐसे। और वो लोग भी जिनमें जेनेटिक्स वो वाले ना, वो भी 1 या 2% लोग हैं, मुश्किल 1% भी नहीं होंगे यार मेरे हिसाब से। तो इंडिया में 1 या 1.5%
पॉपुलेशन ही जिम जाती होगी, फिटनेस की तरफ ध्यान देती होगी 1.5-2%, जहाँ तक मैं जिम की बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ जिम की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना और ये फेक नाटिस के चक्कर में ना पड़ो। तब तक के लिए अलविदा, नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।